जाम म इस्लामे वैसे स्टूडेंट जो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए चाहे वो यूजी कोर्स हो पीजी कोर्स हो इवन डिप्लोमा का हो या फिर इवन स्कूल की भी बात कर लें फाइनली uh, इस वीडियो में तीन चार टॉपिक पे जो नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछ रहे उसके रिप्लाइस मिल जाएंगे और ये आई थिंक सारे स्टूडेंट्स का इस टाइप का क्वेरी होगा तो इसके लिए सिंपल सबसे पहले हम क्या करेंगे जाम इस्लामी इस्लामिक ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ जे एम आई सी ओ डॉट इन सिम्पल गूगल पर जाकर सर्च कर लेंगे सर्च कर लेने के बाद आपको सबसे पहले इस तरीके का आइकन दिखेगा इंटरफेस दिखे इस पर सिंपल क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे खैर हम आप आते हैं आपकी क्वेरी पे देखिए सबसे पहले हम आप, आपको रिजल्ट्स को लेकर बता दें कि अभी अगर आप देखेंगे तो 90 से 95 परसेंट कोर्सेज का जो है रिजल्ट्स आ गया है रिजल्ट आ गया मतलब फर्स्ट लिस्ट जो है आ गया ज़्यादातर कोर्सेज का कुछ ही कोर्स बचे हैं जिसका अभी नहीं आया है लाइक जैसे कि बी है और डी का है तो हम उम्मीद रखते हैं या उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि डी एल एड का आज रिजल्ट है अदरवाइज़ कल तक मोस्ट ऑफ आपके रिजल्ट आ जाएंगे और भी जो कोर्स बचे हैं उसका एक्सेप्ट बीटिक और बी आर उसका जो भी हो उसका हम सीन अभी समझाते हैं कि क्या होगा खैर अब ये तो हो गया खैर इन कोर्सेज के रिजल्ट को लेकर जो बच्चे पूछ रहे हैं अब उसके बाद जो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स पूछना चाह रही है कि सर जो वेटिंग लिस्ट में है उसका क्या होगा या उसका कब एडमिशन होगा तो देखिए वेटिंग लिस्ट वालों के लिए अलग से क्योंकि अगर आप वेटिंग लिस्ट वाले में लिस्ट जिस भी स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम मेंशन है उसके जस्ट एब में आप देखेंगे उसमें कुछ कहानी भी लिखा गया है उस कहानी में ये कहा गया है कि अगर सीट वैकेंट रहता है तो देन जो है आपको मौका दिया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि अगर सीट खाली रहेगा मतलब सपोज अब स्टूडेंट्स एडमिशन लिए लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं वो नहीं भी लें तो नहीं लेंगे उस केसेस में जो क्या है वो जो सीट वैकेंट रहेगा उसमें वेटिंग लिस्ट वालों को मौका दिया जाएगा लेकिन अभी ये भी उसमें मेंशन नहीं किया गया है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगा तो ऐसे में सिंपली यही है कि एज आ मान सकते हैं कि एटलीस्ट एट टू एट टेन डेज लगेगा सेकंड लिस्ट आने में पहली चीज़ हाँ अब ये देखना होगा कि सेकंड लिस्ट में कितने वेटिंग क्लियर होते हैं हम ऐज उम्मीद रखते हैं कोर पेपर में कि एटलीस्ट टेन वेटिंग टेन टू फिफ्टीन वेटिंग क्लियर हो शायद इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि आज के टाइम में होता यह है कि स्टूडेंट्स को पता चल जाने के बाद नॉर्मली एडमिशन ले लेते हैं इसलिए बहुत कम क्योंकि पिछले साल ही मैंने देखा कि ज़्यादातर कोर्सेज़ में दो या तीन इससे ज़्यादा कट ऑफ लिस्ट नहीं आ पाया था तो इस बार हम उम्मीद रखते हैं कि हो सकता है दो या तीन आए या वरना हो सकता है दो ही आए तो इसलिए थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट का क्लियर होना उतना भी मतलब कन्फर्म मान करना चले कि हाँ भाई हंड्रेड परसेंट क्लियर हो ही जाएगा लेकिन एज एक्सपेक्ट करें कि हाँ एटलीस्ट वेटिंग टेन तक जो आसपास क्लियर हो जाए क्योंकि अगर आप स्कूल का वेटिंग देखेंगे तो मुश्किल से तीन या चार जिसका वेटिंग था उसी का ही क्लियर हो पाया तो आप सोच लीजिए तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वेटिंग अभी वो भी वैसे भी इस मंथ के एंड तक आपको सारा पता चल जाएगा मैं तो ही कर सकता हूँ क्योंकि जितने भी कोर्स का जो अभी रिजल्ट आया उसका से जो वेटिंग लिस्ट का क्लियर होने का जो चांसेस है इस मंथ का एंड तक वो क्लियर हो जाएगा खैर तो ये वेटिंग लिस्ट वालों के लिए मतलब है मतलब ये कि मानकर जल इसका दो या तीन या चार या पाँच वेटिंग है वो वेट कर सकते हैं लेकिन जिनका ज़्यादा वेटिंग है जैसे फिफ्टीन से ज़्यादा है वो उनको मेरे ख्याल से मैं नहीं कहूँगा कि वेट कर लेकिन फिर भी एक एक बार देख ले हाँ जहाँ तक डिप्लोमा में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात है तो उसमें वेटिंग क्लियर होने के, के ज़्यादा चांसेस क्योंकि उसमें सीट्स जाते हैं तो इसलिए उसमें ज़्यादा एटलीस्ट हम उम्मीद रखते हैं कि चालीस से पचास के आसपास जिस भी स्टूडेंट्स का वेटिंग है एटलीस्ट मोस्ट ऑफ का सलेक्शन होने के चांसेस से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन हमें जो मिनिमम रख रहे हैं अब इसके बाद जो है ये तो खैर वेटिंग लिस्ट वालों के लिए हो गया और यानी वेटिंग लिस्ट वालों का सेकंड लिस्ट हो गया इसके बाद जो नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हमारा डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन रहेगा मतलब क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देखिए जो पी में बताया गया वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना पड़ेगा मतलब कि ये जो रिजल्ट जो आपके आए हैं जहाँ आपने रिजल्ट चेक करा है उसी आइकन पे उसी सेक्शन पे जो आपको पता चलेगा तो इसलिए मैं बड़ा सिंपल कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा जो उस जिसमें बताया गया वही आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा अब सवाल बहुत सारे स्टूडेंट का ये हो सकता है कि अगर हमारा जो सेकंड लिस्ट आएगा या वेटिंग लिस्ट जो आएगा वेटिंग आपने वेटिंग लिस्ट वालों के लिए अब सेकंड लिस्ट आएगा तो ये सेकंड लिस्ट कहाँ आएगा जिस जगह पे आपने रिजल्ट चेक किया था लाइक जैसे किसी ने बी ऑनर्स पॉलिटिकल का चेक किया हो तो बी ऑनर्स पॉलिटिकल के जगह पर ही उसके जस्ट नीचे आ जाएगा सेकंड लिस्ट अब किसी ने इंटरव्यू दिया है लाइक ए मास्टर के कोर्सेज में या बी के अभी इंटरव्यू होंगे तो जो इंटरव्यू होगा इसका लिस्ट कहाँ आएगा जहाँ पे आपने रिजल्ट चेक किया था बस उसी के जस्ट नीचे मतलब सिर नंबर से वन लिखा हुआ था तो उसी के नीचे सिर नंबर टू लिखा रहेगा लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर बी करके लिखा रहेगा तो आप समझ सकते हैं कैसे होगा तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ अब इसके बाद जो है जो क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ अब इसके बाद हम आते हैं जो मेन टॉपिक पे दैट इज़ स्पॉट एडमिशन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्पॉट एडमिशन का क्वेरी है देखिए मैं इस बार मैं ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ मैं ये नहीं मैं हंड्रेड परसेंट दवा नहीं कर सकता किसी बात पे लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि देखिए इस बार जो है ना चीज़ें थोड़ा सा पिछले साल के कंपेरिजन में अलग है और उससे पिछले साल देखेंगे तो और अलग है अलग क्या है ये है कि स्पॉट एडमिशन इसीलिए हो कराया जाता था या होता है ताकि जो है स्टूडेंट जो है जल्दी से आकर या जामिया में जल्दी से एडमिशन का फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया जाए इसीलिए स्पॉट एडमिशन कराया जाता है तो अगर आप कहेंगे कि भाई इस बार होगा या नहीं इस बार होगा इस बात नहीं है हम तो ना की भी उम्मीद रखे हुए हैं लेकिन फिर भी एक हम मानते हैं कि चलो इस बार होगा लेकिन होगा तो उस कोर्सेज में होगा जिस कोर्स का डिमांड ही नहीं हो शायद आप भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो हम बी ऑनर्स कोर्सेज में हम कुछ ही कोर्स का उम्मीद रखते हैं लाइक जैसे कि बी ऑनर्स संस्कृत का और बी वोक सोलर एनर्जी का बस इसके अलावा और हम किसी और कोर्स पे उम्मीद नहीं रखते या किसी और कोर्स का चांस बहुत कम है कि स्पॉट रेस्ट एडमिशन हो या स्पॉट एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो मतलब डायरेक्ट एडमिशन होने के चांसेस ना के बराबर है कहेंगे क्यों क्योंकि स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं आपको अगले लिस्ट में यानी सेकंड लिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि कितना सीट वैकेंट रहा अगर आपको ये चीज़ समझना है कि स्पॉट एडमिशन आएगा या नहीं तो सेकंड लिस्ट में सारे कोर्सेज का देख लीजिएगा पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्योंकि अभी स्कूल में पहले ही होता था स्कूल में भी स्पॉट एडमिशन होता था इस बार देखिए स्कूल में तीन चार वेटिंग क्लियर हुआ अब सोच लीजिए इस बार सेकंड लिस्ट में सीट फुल हो गया मोस्ट पर भी तो ये देख लीजिए अब हम बात करते हैं उन कोर्सेज का जैसे ये तो हो गया लाइक जैसे कि मैंने अंडर ग्रेजुएट को बात है अब पोस्ट ग्रेजुएट में भी सेम सेम रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट में जो कोर पेपर जैसे बी बी -गी, बी बी इकोनॉमिक्स हो गया सॉरी इकोनॉमिक्स हो गया एम ए इकनॉमिक हो गया एम ए हिस्ट्री हो गया एमए पॉलिटिकल हो, हो, हो गया इन सब में किसी में भी जो है स्पॉट एडमिशन होना मुश्किल है मैं आज एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ बाकी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए फ़ायदा होगा तो ओवरऑल अगर आप स्पॉट एडमिशन के फिराक में हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप उस पर ट्रस्ट ना करें बल्कि मैं ज़रूर कहूँगा आप वेट कर लीजिए कोई वो नहीं है लेकिन आप हंड्रेड परसेंट अगर आप वेट करना चाहते हैं मतलब हंड्रेड परसेंट उस पर डिपेंडेंट होना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इसलिए मैं कहना चाहूँगा लोग कह दें ठीक है आप कोई और लोग ये भी कह सकता है कि हाँ स्पॉट एडमिशन होकर रहेगा ये और भी कोर पेपर होगा लोग कहते हैं आप सुन लीजिए अगर आपको अच्छा लगता तो है तो मानेंगे लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप समझ लें अगर अच्छा लगे तो ठीक है अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्पॉट एडमिशन इस बार बहुत मुश्किल है होना क्योंकि स्टूडेंट्स कहने के एडमिशन ले रहे हैं इस वजह से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाकी अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में कमेंट करिए अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं थैंक यू